तो देखो भाई कल का मैच जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, उस पूरे मैच से भैया सबसे ज्यादा जिस उम्मीद के लिए हम मैच देख रहे थे कि भैया केएल राहुल जाके बैटिंग करेंगे, लेकिन मैच का हाल कुछ ऐसा रहा कि केएल राहुल की बैटिंग ही नहीं आई। मतलब जैसा हमने उम्मीद लगा रखी थी कि भैया ऐसा हो सकता है कि केएल राहुल ओपनिंग ना करें क्योंकि शुभमन गिल भी खेलेंगे, और शुभमन गिल खेलेंगे तो ऐसी चांसेस है कि शुभमन गिल और शिखर धवन ही ओपनिंग करेंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भैया पूरा स्कोर यही दोनों चेस कर देंगे, और जब उन्होंने असल में उस पूरे स्कोर को अकेले चेस कर डाला तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस चीज की खुशी हो रही है या दुख हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कल की वीडियो में कहा था कि भैया इस पूरी सीरीज में दो लोगों पे बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है, पहले तो होंगे केएल राहुल और दूसरे होंगे दीपक चहर। दीपक चहर की बॉलिंग देख के तो कसम से मजा आ गया। थोड़ी सी भैया जो स्पीड थी वो 128-29 जा रही थी, जो थोड़ा सा देख के दुख जरूर हुआ, लेकिन भैया बंदे की स्विंग तो एकदम वैसी ही है। जो बॉल बंदा चाहे आउट स्विंग करा रहा है, जो बंदा बॉल चाहे इन स्विंग करा रहा है, भैया मस्त एकदम यॉर्कर वॉर्कर भी मार रहा है, और उसके साथ ही भैया शुरुआत में नई बॉल के साथ बंदा रिवर्स स्विंग भी करा रहा था। तो दीपक चहर की उस बॉलिंग को देख के एक तो तसल्ली जरूर मिल रही थी कि दीपक चहर की परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं आई है, खासकर जो उनका मेन हथियार था स्विंग, उसको लेके ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इवन कल तो वो पहले से और ज्यादा बेहतर लग रहे थे, तो जिसे देखते हम ये भी कह सकते हैं कि भैया दीपक चहर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भैया हमको T20 वर्ल्ड कप में दिख सकते हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या दीपक चहर को हमें T20 वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए या फिर उनको ले जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, अब रहने ही देना चाहिए। बाकी वैसे मैंने शुरुआत में भले ही ये थोड़ा मजाक में कह दिया कि भैया धवन और गिल आउट नहीं हो रहे थे, लेकिन भैया गिल और धवन की पार्टनरशिप लगातार बढ़ी जा रही है, और खासकर सबसे कमाल की बात यह है कि शुभमन गिल जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने एक चीज का ऐलान तो कर दिया है कि भैया देखो अभी T20 वर्ल्ड कप में हमारा नाम कहीं नहीं था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है उसमें भैया हमारी दावेदारी एकदम मजबूत है। मतलब शुभमन गिल तो भैया एकदम 100 वॉक की एवरेज से रन बना रहे हैं इस समय, बंदा आउट ही नहीं हो रहा है। हाँ ये सच है कि थोड़े से जो उनके रन आए हैं भैया सारी कमजोर टीम के खिलाफ ही आए हैं, लेकिन भैया कमजोर टीम के खिलाफ भी लगातार इतने ज्यादा रन मारना आसान थोड़ी होता है। तो जाहिर सी बात है भाई देख के ये चीज खुशी तो मिली रही है, लेकिन असल में आने वाले टाइम में वनडे में जो सरदर्द बनेगा वो भैया रोहित शर्मा का बढ़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा भी ओपनर है, उसके बाद शिखर धवन भी वनडे में अच्छी खासी चॉइस है तो वो भी ओपनर है, शुभमन गिल भी एक ओपनर के तौर पर ही कहीं ना कहीं अभी खेल रहे हैं, और केएल राहुल भी जो है एक तरीके से ओपनर ही है, पर चलो वो चौथे नंबर पे खेल सकते हैं, लेकिन अगर वो चौथे पे खेलेंगे तो फिर सूर्य कुमार यादव कहां खेलेंगे, ऋषभ पंत कहां खेलेंगे, हार्दिक पांड्या आ जाते हैं नीचे, तो रविंद्र जडेजा आ जाते हैं नीचे, तो भैया चौथे पांचवी पोजीशन के बाद बहुत ज्यादा भिड़ाव होने वाला है, और सेम टाइम पे वनडे में ओपनिंग को लेकर बहुत भिड़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा मैं पहले ही बहुत बार कह चुका हूं कि इस समय इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है इंडिया वालों का कि भैया ये सारे ही प्लेयर एक टाइम पे एक ही टूर में अवेलेबल वैसे भी नहीं रहते हैं। बाकी अभी तो भैया बहुत वक्त बाकी है, जब बड़ी बड़ी टीमों के साथ असल में टूर होंगे तब असल में परीक्षा होगी शुभमन गिल की या फिर कह लें शिखर धवन की, क्योंकि शिखर धवन की पारियां जो है इंग्लैंड के खिलाफ उतनी अच्छी नहीं आई थी, इसलिए भैया जो असली टेस्ट होता है ना वो तो वहीं पे होगा। बाकी कल के मैच में एक और चीज देख के अच्छी लगी कि भाई जो प्रसिद्ध कृष्णा है ना वो वनडे के एकदम प्योर बॉलर बन सकते हैं, क्योंकि बंदे के पास ठीक ठाक स्पीड भी, और सबसे अच्छी बात जो बंदे की अचानक से बॉल बाउंस करती है ना अचानक से, वो बहुत ज्यादा विकेट दिलाने में सक्षम रहती है, और मुझे मानना यह है कि भाई आवेश खान के कंपैरिजन में प्रसिद्ध कृष्णा ज्यादा बेहतर चॉइस है। वैसे इस चीज को लेके भी जो भी ये वीडियो देख रहा है जवाब दे सकता है कि अगर आप लोग के पास मौका हो आवेश खान को खिलाना या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है तो आप किसको प्रिफर करेंगे। बाकी अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो रोहित शर्मा से रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि भैया देखिए आने वाले टाइम में आपको श्रीलंका से भिड़ना है, पाकिस्तान से भिड़ना है, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाना है जहां बहुत बड़ी बड़ी टीमें मिलेंगी, तो आपकी इन टीमों को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है। तो इस पर रोहित शर्मा ने जो बयान दिया है ना, कसम से वो बयान सुनकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ये कह डाला कि भाई मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने टीम कौन सी है, चाहे सामने टीम जिम्बाब्वे हो, चाहे वेस्टइंडीज हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, मैं बस ये सोच के खेलता हूं कि ये एक विरोधी है और इन्हें कुछ भी करके हराना है। मतलब कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने यह कह डाला है कि मेरे को यह फर्क ही नहीं पड़ता है कि विपक्षी कौन है, हमें फर्क पड़ता है अपने खेल से और हमें फर्क पड़ता है एक ही चीज से, जो कि है भैया जीत। और बात सही भी है भैया, हमको भी सिर्फ इसी चीज से फर्क पड़ता है कि इंडिया जीते, चाहे जिससे खेले लेकिन जीते। और अब जाते जाते एक फाइनल और आखिरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप पागल हो जाएंगे खुशी के मारे, आप कूदने लगेंगे, आप बेड पे अपने जंप करने लगेंगे, और वो ये है कि भैया बुमराह को लेके और हर्षल पटेल को लेके एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। तो देखो रिपोर्ट ये आ रही है कि दोनों ही प्लेयर मस्त बेंगलोर में एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों की जो रिकवरी हो रही है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। तो भाई इससे बड़ी बात अपने लिए क्या हो सकती है कि अगर हर्षल पटेल और बुमराह भैया हमको वर्ल्ड कप में देखने को मिल जाए, क्योंकि जब से खबर आई
थी कि चलो एशिया कप में बुमराह नहीं है, हमने कुछ कह के सह लिया था, दुख तब भी हुआ था, लेकिन फिर भी दिल को मना लिया था कि भाई रेस्ट ले लो, लेकिन वर्ल्ड कप में कोई रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ये रिपोर्ट आने लगी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि बुमराह हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को ना मिले, तो पूरे तरीके से भैया जो दिमाग है ना एकदम भन्ना गया था, और जो दिल है वो पूरे तरीके से टूट गया था। पर जब से ये खबर सामने आई है थोड़ा सा भैया सुकून मिल रहा है, तसल्ली मिल रही है, और यही उम्मीद करते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई बुमराह और हर्षल पटेल हमें दोनों वर्ल्ड कप में देखने को मिल जाए, ताकि कुछ भी वर्ल्ड कप में ऊपर नीचे भी होना तो ये मन में ना रहे कि भाई बुमराह होता या हर्षल पटेल होता तो ये मैच जीत सकते थे। भाई ऐसे टूर में जब जाओ तो अपना बेस्ट लेके जाओ कि भैया अगर हारो भी, इन केस हारो ना वैसे, पर इन केस अगर जैसा मैंने कहा कुछ खराब हो भी जाए तो इस बात का अफसोस ना रहे कि भाई हम इससे बेहतर टीम खिला सकते थे। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि दीपक चहर को T20 वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए या फिर इस T20 वर्ल्ड कप के लिए रहने देना चाहिए, और साथ ही साथ इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अगर आपके पास ऑप्शन हो आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक प्लेयर को खिलाने का तो आप किसे खिलाएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक के लिए अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है शिवम बलौटिया, जो पूछते हैं क्या विराट कोहली एशिया कप में ओपन कर सकते हैं। तो देखो भाई ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भैया केएल राहुल रिटर्न कर चुके हैं, और जब केएल राहुल टीम में होंगे तो विराट कोहली को क्यों ही ओपन करना है, आराम से भैया केएल राहुल ओपनिंग करें, उनके साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करें, फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली खेलें, फोर्थ नंबर पे सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत खेल सकते हैं, और उसके बाद पांचवें नंबर पे भी सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत खेल सकते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या खेल सकते हैं, और नीचे पे जडेजा खेल सकते हैं, और अगर सेलेक्टर्स को ठीक लगे तो दिनेश कार्तिक को भी खिला सकते हैं। हाँ अगर ऐसा होता कि केएल राहुल एशिया कप में रिटर्न नहीं कर पाते तो जरूर विराट कोहली ओपनिंग कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। हाँ एज अ फैन अगर आप मेरे से पूछो कि भैया ओपनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों साथ में खेलते हुए देखने को मिले, मैच का जो भी हो भाई देखने मजा तो आएगा ना। तो भैया अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो बार बार बता चुका हूं कि बिल्कुल ही वेट नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टा पे क्रिकबाजी पे जोशी का, वहां पे जाके फॉलो करना है, वहां पे भी एकदम एक्सक्लूसिव बेहतरीन कंटेंट भैया रील्स वगैरह आती है एकदम एक्सक्लूसिव जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, तो वहां पे जाके फॉलो करना, और कोई मन में सवाल हो जाके भेज देना है, जो हम आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।